हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे आप लोग फ्रेंड? मेरे पास एक MI का फ़ोन है जो MI लोगो पे अटका हुआ है। तो फ्रेंड, MI के बहुत सारे वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे, बट मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप MI फुल फ्लैशिंग पे वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ, MI को फ्लैश करने के लिए 2-3 मेथड है। आप इसको फास्ट बूट मोड पे भी फ्लैश कर सकते हो और कॉलकॉम 908 पोर्ट ला के भी इसको फ्लैश कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर इसको कॉलकॉम 908 पोर्ट पर ही फ्लैश करता हूँ फ्रेंड। उसमें क्या होता है, कोई एरर नहीं आता है। अगर आप फास्ट बूट मोड पे फ्लैश करते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारे एरर फेस करने मिलते हैं। तो आपको सिंपली एक EDL केबल बना लेना है, या फिर आपके पास EDL केबल नहीं है तो आपको 2 पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेंगे फ्रेंड। तो आप EDL केबल बना लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो डले हैं, एकदम सिंपल है किस तरीके से बनाना है आपको। तो ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले इसको स्विच ऑफ करना होगा आपको। इसकी बैटरी कनेक्टर निकाल के वापस आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। शॉर्ट करना पड़ेंगे। इसमें जो डाटा माइनस और डाटा प्लस के होते हैं, आपको उस पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको इस पर स्विच लगाना पड़ेगा फ्रेंड, ताकि आप इसको होल्ड कर पाए। तो मैं इसको शॉर्ट करके ही लगाऊंगा फ्रेंड। सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है फ्रेंड। मेरे पास इसकी टेस्टेड फाइल है, मैं इसको भी ट्रैक कर लेता हूँ फ्रेंड। यहाँ पे आपको इस 2 पॉइंट को शॉर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, और वॉल्यूम अप और डाउन दबा के आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ब्लेड था ना, ब्लेड उधर था। यहाँ पे QC लोडर का पोर्ट बन चुका है। अब आपको QC फायर को ऑन करना है फ्रेंड। आपको इस केबल पे दो वायरों को कट करना है फ्रेंड, जो भी डाटा माइनस और डाटा प्लस की होती है फ्रेंड, और वो दोनों को आपको शॉर्ट करना होगा। फ्रेंड, यहाँ पे फ्लैशिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है।
सो फ्रेंड ये था आज का हमारा टॉपिक। मैंने आपको एम आई नोट 3 मोबाइल की फ्लैशिंग बताई। सो फ्रेंड सारे एम आई में एसी फ्लैशिंग होती है क्योंकि इंडिया में जो है कॉलकॉम स्नैपड्रैगन वाला ही मोबाइल लॉन्च किया है, और एम आई में जो मीडियाटेक फ़ोन होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री के फ़ोन होते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से आपको करना है। सो सिंपल है फ्रेंड, आपको फास्टफूड मोड पे फ्लैशिंग नहीं करनी है। बेहतर होगा कि आप 908 पोर्ट उसकी शो कराए डिवाइस मैनेजर में, उसके बाद ही आप फ़ोन को फ्लैश करें ताकि आपको कोई भी एरर देखने ना मिले। और आप यूएमटी डोंगल यूज़ कीजिए फ्रेंड, नहीं तो आप अगर कॉलकॉम का टूल यूज़ करेंगे तो उसमें एरर बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे कि सहारा एरर आता है और बहुत सारे एरर आते हैं। तो फ्रेंड ये था मोबाइल, ये फ़ोन ऑन हो चुका है। और ये फ्रेंड ये फ़ोन मेरे पास इसके लिए आया था कि इसमें वोल्ट ही नहीं आ रहा था फ्रेंड, तो इसको मैंने सिर्फ अपडेट किया है फ्रेंड। मेरे पास जो इसकी फ़ाइल थी वो अपडेट वर्जन थी। और फ्रेंड मैंने आपको फ़ाइल डाउनलोड करना इसके लिए नहीं बताया क्योंकि मुझे कोई भी फ़ाइल ज़्यादातर डाउनलोड करनी नहीं पड़ती है। मेरे पास 60 TB का डेटा है फ्रेंड, उसी में बहुत सारी फ़ाइल है। वो तो मैंने बहुत महंगा परचेज़ किया है, बट आप लोगों को किसी को भी चाहिए 4 TB या 5 TB तक डेटा, जो सारी की सारी टेस्टेड फाइल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।